मांझी अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षण हेतु मछुआरा समाज प्रदेश भर में आंदोलन की राह पर निकल पड़ा है। बालोद जिला स्तरीय कार्यक्रम के तहत तहसील कार्यालय के पास मुख्यमंत्री के नाम निवेदन पत्र सौंपा, जिसमें छत्तीसगढ़ मछुआरा समाज शामिल थे। मछुआरा समाज को 1950 से ही अनुसूचित जनजाति का लाभ प्राप्त करने की पात्रता है और यह तात्कालीन शासकीय दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेखित है। मछुआरा समाज के द्वारा संविधान में 1950 में भेजी गई अनुशंसा, जिसमें मांझी, केवट, मल्लाह, धीवर, भोई, कहार, कहार स्पष्ट लेख के बावजूद जनजातीय आरक्षण का लाभ नहीं प्रदान किया जा रहा है। इससे संबंधित समस्त दस्तावेज राज्य की जनजातीय विभाग और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को उपलब्ध कराने के बाद भी इस विषय पर कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई है, जिसके कारण समाज के भीतर भयंकर रोष व्याप्त है। 1950 से लेकर के आज पर्यंत तक के लगभग 73 वर्षों से मांझी मछुआरा समाज, भीमर केवट समाज अपने खोए हुए आरक्षण को पुनः प्राप्त करने के लिए एक एक घर से, एक एक परिवार से आज निकल करके आए थे, और ये हमारी खंदक की लड़ाई रहेगी। ये आरक्षण का मुद्दा अब हम हर जिले में लेकर के जाएंगे, जिले के बाद में पूरे प्रदेश में लेकर के जाएंगे। ऐसा हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हर घर का व्यक्ति को आरक्षण मिले। पूर्व में मांझी के अंतर्गत आदिवासी के सूची में शामिल था, परंतु 1950 के संविधान जब उसका जो प्रिंटिंग हुआ उसमें त्रुटिवश मांझी शब्द रह गया, और उसके साथ जो समकक्ष शब्द थे धीमर, केवट, भोई, कहार, मल्ला, उसको विलोपित कर दिए। तो हम उस जो त्रुटि को सुधार करने के लिए ही आज का ये जो